न्यूज के प्रायोजक हैं ड्रीम क्रिएशन इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स हियर द ड्रीम प्रोजेक्ट्स कम ट्रू। अब राज्य सरकार सहायक प्राध्यापकों की नियमित भर्ती करने जा रही है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में बड़े पैमाने पर की जा रही सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के चलते कई सालों से काम कर रहे अतिथि प्राध्यापकों की नौकरी खतरे में नजर आ रही है। प्रदेश में बीएससी के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य सरकार को 595 प्रोफेसर और 1384 सहायक प्राध्यापकों के पद मिलाकर कुल 1979 पदों पर भर्ती करानी है। इसके चलते सालों से महाविद्यालय में सेवा दे रहे अतिथि प्राध्यापकों की नौकरी खतरे में पड़ने की आशंका सताई जा रही है, क्योंकि हमारी स्थिति इन प्राध्यापकों की नियुक्ति होने के साथ पूरी तरह से और भी ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। हम तो पहले से ही परेशान हैं, विचलित हैं, और इस विषय जैसे ही यहाँ पे नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी उसके बाद हमारे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं रखा गया है। सरकार ये हमें ये बताए कि आज 20-30 साल तक लगातार हमारी सेवाएँ ले लेने के पश्चात इसके बाद हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? इसके बाद क्या आपको लगता है इसके बाद भी हमारे लिए कोई ऑप्शन रह जाएंगे? तो इस विषय में गंभीरता से विचार करके हम सहायक हम अतिथि प्राध्यापकों को एन के प्रकारण अपने पदों पे हमें बरकरार रखा जाए। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में कई सालों से करीब 2500 अतिथि प्राध्यापक कार्यरत हैं। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी दूर करने के लिए अतिथि प्राध्यापकों की भर्ती की गई थी, जिन्हें 3 साल के लिए नियुक्ति दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।